अभिषेक गोयनका हमारे साथ जुड़ चुके हैं IFA ग्लोबल के। अभिषेक स्वागत है, बताइए कैसे देख रहे हैं आप ये ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो बैठक आज होने वाली है पेरिस में, इसको और उससे पहले आपने रुपए की ओपनिंग को किस तरह से रीड किया? देखिए कल तो काफी मार्केट में हिम बेहम थी इंडिया में, आई थिंक कोरोना वायरस का जो न्यूज आया उसके इमीडिएटली बाद इक्विटी मार्केट भी काफी प्लंज की और डॉलर रुपये में भी भारी वीकनेस आई। जो कि हम देख रहे हैं कि प्रॉब्ली 70.5 to 72.5 का ये जो ब्रॉड रेंज मार्केट में रहा है कुछ समय तक, कल ये रेंज टूटा था और भारी बाइंग के साथ टूटा था। इंटरेस्टिंगली दो तीन डेवलपमेंट हैं जो रुपए की मूवमेंट को सहारा दे रही है। नंबर वन है कि आपकी जो NDF मार्केट है, आपकी रुपए की मार्केट की ऑफ मार्केट होती है, ये मार्केट में करीब करीब 15-16 पैसे का डिफरेंस चल रहा था और साथ साथ में जो आपके कॉल ऑप्शन की जो प्रीमियम जो काफ़ी बढ़ गए थे उसको वॉल्व बोलते हैं वॉल्व के कारण, और उस कारण से ये समझ में आता है कि बाइंग की तरफ में काफ़ी एक्सपेरी थे। साथ साथ में जो कि क्रूड हमारे फेवर में है, साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े हुए हैं, किंतु उसके बावजूद भी रुपये में बाइंग थी क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का फियर है ये लोगों के माथे में इस समय प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, ये मेन कारण है। बाकी चारों तरफ सेंट्रल बैंक डेफिनेटली बात कर रहे हैं कि और ज्यादा पैसा प्रिंट करेंगे और कंफर्ट देंगे लोगों को जिससे कि वो ये टेम्पररी स्केयर को रोक सके, तो इसका इम्पैक्ट रुपया पे ज्यादा नहीं आएगा। बट ओवरऑल हमने ये देखा कि भाई यूरो इसी करेंसी ऊपर जा रही है, 10-year बाउंड्री जो है US की और 2-year बाउंड्री जो US की वो हिस्टोरिकली लो चल रही है, उस कारण से डॉलर में पैसा रखना का कॉस्ट कम हो गया है, तो उस कारण से यूरो ऊपर जा रहा है ओवरऑल। तो हैविंग सेड दैट, अगर मार्केट में RBI की इंटरवेंशन नहीं आती है और मार्केट 72.5 के ऊपर ही होल्ड करता है तो डेफिनेटली रुपया में ये वीकनेस बरकरार रहेगी। तो एज ऑफ नाउ द मार्केट इज बाय ऑन दिस, तो हम लोग क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर 72.5 के ऊपर ही मार्केट रुकता है तो NDF स्प्रेड निफ्टी खुल रहा है और यही बात हुई थी।